3594 पॉजिटिव केसेस आए थे। टेस्ट जो किए गए वो 87,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। पॉजिटिविटी 4.11%, 4% के करीब चल रही है। और दिल्ली के अंदर और पूरे देश में अभी कोरोना काफ़ी बढ़ रहा है। देश के अंदर शायद कल 90,000 पेशेंट्स आए हैं, हाईएस्ट 99,000 आए थे एक बारी, तो हाईएस्ट के आसपास पूरे देश का चल रहा है। और दिल्ली के अंदर भी ये कोरोना काफ़ी अभी फैला हुआ है, तो लोगों से मैं कहूँगा कि अभी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को बार बार धोएं, इसका बिल्कुल ध्यान रखें। अगर लोग सतर्क होंगे तो इसको रोक सकते हैं। पहले भी रोक के दिखाया था, देखिएगा लोगों ने 3 महीने बहुत अच्छी कंप्लायंस की थी और इसको बिल्कुल काबू में किया था। अगर फिर से कंप्लायंस करेंगे तो जरूर इसको कम कर सर। आर यू ओके विद द टेस्टिंग्स दैट आर हैपनिंग? और दूसरा क्या है जो आप और मेजर्स क्या ले सकते हैं दिल्ली के? देखिए टेस्टिंग के लिए मैं बता दूं, दिल्ली के अंदर कल का नंबर है 87505, 87,705। पूरे देश में किसी भी राज्य ने पर मिलियन के हिसाब से जो भी एवरेज है उससे हम 5 गुना ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर जो टेस्टिंग है एक्सपर्ट्स के हिसाब से 40-50,000 होनी चाहिए मैक्सिमम, तो हम सिर्फ दुगनी टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, टेस्टिंग या ट्रेसिंग भी कर रहे हैं हम लोग, जो उनके कॉन्टैक्ट हैं उनको ट्रेस कर रहे हैं, आइसोलेट भी कर रहे हैं। तो पूरी जो हमारी मुहिम है उसको कर रहे हैं। जो एक पॉजिटिव मिलता है उसके पूरे परिवार को टेस्ट किया जाता है, उनके जितने कॉन्टैक्ट हैं उनको ट्रेस किया जाता है, उनको टेस्ट किया जाता है, तो वो पूरा कर रहे हैं हम लोग। सर मेजर्स क्या ले सकती है दिल्ली गवर्नमेंट और क्या लेना चाहिए? नहीं, दिल्ली सरकार देखिए पूरे मेजर्स ले रही है कि अस्पतालों के अंदर हमने बेड्स बढ़ाए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो 33 बड़े हॉस्पिटल्स हैं आईसीयू बेड्स भी बढ़ाए हैं, और अभी ऑक्यूपेंसी जो है 1/3 के करीब बेड हमारे ऑक्यूपाइड हैं, 2/3 बेड्स अवेलेबल हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली पूरी तरह सतर्क है और जैसी भी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से एक्शन लेंगे। सर कंटेनमेंट जोन की संख्या 2000 से अधिक हो गई, 2338 पे पहुंच गई है, सबसे ज्यादा दक्षिणी दिल्ली में। क्या दक्षिणी दिल्ली और पॉश इलाके जो है उसमें ज्यादा कोविड फैल रहा है इस बार? देखिएगा हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा ट्रेंड देखने में आ रहा है कि थोड़ा सा जो अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास थोड़ा सा अपर वाले एरिया उनमें ज्यादा जाता दिखने में आ रहा है। कारण क्या है सर इसका, क्या लगता है आप? देखिएगा इसे तो कारण तो कहना बड़ा मुश्किल है, बट जो लोगों से बातचीत हुई है ऐसा लगता है कि शायद जितने भी कंजस्टेड एरियाज थे या स्लम्स थे उसमें शायद दिल्ली के अंदर पहले ही सबसे फर्स्ट फेज के अंदर सेकंड फेज में बहुत ज्यादा हो चुका था। लेकिन जो गैप है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे 1000 गैप पे आपने चिंता व्यक्त की थी, अब 2000 को पार कर रहे हैं। देखिएगा अभी जो देखने में आ रहा है जो ये वाला वायरस जो फैल रहा है अभी, जिस तरह से फैल रहा है, जिस तरह बिहेव कर रहा है, इसकी बढ़ने की संख्या बहुत तेज है। अब देखने में आ रहा है एक परिवार में एक नहीं मिलेगा, पूरा परिवार मिल रहा है। तो पहले क्या होता था, एक परिवार में अगर 6 लोग हैं तो 2 हो गए 4 रह गए, या 3 हो गए 2-3 रह गए, या 1 हो गया बाकी रह गए। अब जो हो रहा है कि एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 5 के 5 हो रहे हैं, तो उस तरह से केसेस बंचेस में थोड़ा ज़्यादा आ रहे हैं। और परंतु अभी तक देखने में ये भी आ रहा है कि ये सीवियर कम हो रहे हैं केस, पहले की तरह ज़्यादा सीवियर नहीं हो रहे हैं, और डेथ भी इसके अंदर कम है। दिल्ली में नहीं, पूरे देश के अंदर भी ट्रेंड ऐसा ही चल रहा है। आप केरल में देख लीजिएगा, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैला, बहुत तेज़ी से फैला, बट सीवियरिटी कम है। सख्ती बरतने की बात आप जो लोग कर रहे थे बाहर में मार्केट में, जी बिल्कुल कहते हैं, देखिएगा दिखाई नहीं दे रहा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये तो देखो दोनों चीज़ें साथ साथ चलानी पड़ेगी, लोगों को हमें अपील भी करनी पड़ेगी। अब दिल्ली के अंदर सख्ती तो कर रहे हैं, पर सख्ती करने से भी आप समझते हैं कि 16 दिल्ली के 2 करोड़ की आबादी है, हम अपील करेंगे सब लोग मास्क लगाएं, अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको अपने आप को नुकसान होगा। मैं फिर से बताता हूँ, कई लोग कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है ना फर्क पड़े, परंतु अगर आप पॉजिटिव हो गए, आपके घर में आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनको हो सकता है, भाई उनकी चिंता तो कर लो ना। कई लोग कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, हाँ आप यंग हैं, आप हेल्दी हैं, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु आप कैरियर बन सकते हैं दूसरों को, से आपके परिवार को, आपके जानकारों को नुकसान हो सकता है, तो सबको इसकी केयर करने की आवश्यकता। और मैं मानता हूँ, देखिएगा 3 महीने तक दिल्ली ने इतनी बढ़िया कंप्लायंस की थी, अब फिर से मैं अपील करता हूँ कि फिर से ऐसी कंप्लायंस करके दिखाया, ये बिल्कुल काबू में आ गया। सर कंटेनमेंट जोन की क्या स्ट्रेटजी होती है, कैसे वो कंटेन करते हैं, और क्या फिर से रीडिजाइन करने की जरूरत आपको लग रही है? नहीं देख, कंटेनमेंट जोन के अंदर एक ही जगह पर अगर 2 या 3 केस आ जाते हैं तो कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है, तो एरिया को सील कर दिया जाता है। मुझे लगता है इससे स्ट्रिंजेंट करने की तो जरूरत नहीं है। सर कल जो हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम की बात की, जिस पर कल चर्चा हुई मीटिंग में, ये क्या सर इसका क्या एक्शन प्लान तैयार किया है सरकार ने? अभी हाल में बेड्स बढ़ाए थे, क्या अब आगे को लेकर? नहीं देखिए, हमने तैयारी कर ली है, नेक्स्ट 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 आगे कई फेजेस के लिए, अगर मान लो केसेस बढ़ते हैं तो हम और बढ़ाएंगे। अभी हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 15% हमने बेड कर दिए थे कम करते करते,
सो आपको ध्यान होगा पहले 60% रिजर्व थे, जब डी एस्केलेट किया तो उसको कम करते 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 हम 15% पे आए, तो एस्केलेशन प्लान में हमने 25% किया है। अगर फर्दर करना होगा तो फिर 40 करेंगे, फिर 50 करेंगे, फिर 60 करेंगे, पूरा प्लान बना के रखा हुआ है, बट उसको ट्रिगर तभी करेंगे जब एक स्टेज पे पहुंचेंगे। आज भी हमारी ऑक्यूपेंसी जो है दैट इज़ वेल बिलो 50%, मतलब 35, 36, 37% है। तो जैसे जैसे अगर ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी तो जरूर हम बेड बना देंगे। सर,